अपर पुलिस महानिदेशक राज्य रिजर्व पुलिस बल महाराष्ट्र राज्य मुंबई के निर्देशन में 2016 से राज्य रिजर्व पुलिस बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल महाराष्ट्र के लिए फील्ड क्राफ्ट ट्रॉफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आपदा प्रबंधन प्रदर्शन ट्रॉफी प्रतियोगिता 2022 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल नागपुर और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल धुले इन दो दलों में 14 और 15 फरवरी को समापदेशक पंकज धाने की अध्यक्षता और मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया था। इस दौरान सहायक समादेशक प्रमोद लोखंडे के नियंत्रण में 14 फरवरी को पुलिस अधीक्षक प्रदीप भेजने के नेतृत्व में राज्य आपदा मोचन बल ने कोलाब स्ट्रक्चर सर्च और रेस्क्यू, साथ ही मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपत्ति होने पर उसे परिभाषित किया। आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, यह केवल आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है और देश के विकास को धीमा कर देती है। आपदा एक असामान्य घटना है जो यहाँ कुछ समय के लिए अपनी छाप छोड़ती है और इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। आप आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, ऐसी जानकारी इस दौरान दी गई। दिनांक 14 और 15 फरवरी रोजी नागपुर येथे फील्ड क्राफ्ट ट्रॉफी 2022 साठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल हाचे धुले आणि नागपूर दोघा टीमचा एक डेमॉन्स्ट्रेशन घेण्यात आला होता। त्या डेमॉन्स्ट्रेशनमध्ये दोघा टीम्सने खूप चांगले प्रकारे प्रदर्शन केला। त्यांनी भूकंपची परिस्थितीमध्ये या जे फ्लडची अवस्था असते, वाढची परिस्थिती असते, या काही हाय राईज बिल्डिंगच्या स्ट्रक्चर कोलॅप्स ज्यावेळी होते, त्याप्रकारे कशा प्रकारे ते आपत्तीमध्ये जे लोक आहे त्याचे जीव धोक्यात आलेला आहे, त्यांना आपला जीव धोक्यात घालून कशा प्रकारे बाहेर काढायचे आणि मानवताची अशी सेवासाठी ते सतत कायम आहे, त्याची कंटिन्युअस ते पूर्ण वर्षामध्ये रिहर्सल असते आणि ते रिहर्सल दरवर्षी त्याची मागचे 6 वर्षापासून खूप चांगली झालेली आहे। आजची आणि कालची जे डेमॉन्स्ट्रेशन आहे त्यामध्ये मागचे वर्षापासून आणि पुढे आमची अपेक्षा अशी आहे की SDRF जे आहे ते मानवताची सेवासाठी खूप चांगले प्रयत्न करतील आणि नवीन ते नवीन जे प्रकरण आहे त्यामध्ये ऑपरेटर्स आहे त्याचा यूज करण्यात आलेला आहे, जसे प्रकारे ड्रोन कॅमेराज आहे आणि ते नवीन ते नवीन प्रकारचे कॅमेराज वगैरेचा यूज केला आहे, कटर मशीन्स नवीन चा वापर केला आहे, असे नवीन उपकरणचा वापर करून आणि कंटिन्युअस प्रॅक्टिस करून SDRF जे आहे ते महाराष्ट्र राज्याची सेवासाठी सतत कायमबद्ध आहे। धन्यवाद। प्रदर्शन में बचाव दल और साहित्यिक की उचित योजना के परिणाम स्वरूप घायल व्यक्तियों को ढूंढने, उन तक पहुंचने और उन्हें घटनास्थल से सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के साथ साथ चिकित्सा अधिकारियों को तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए प्राथमिक उपचार सौंपने में मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।